आप देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, आज की एक घटना है उत्तर प्रदेश में पढ़ने वाले एक अमीर खानदान के लड़के की, जिसका सामना एक ऐसे खौफनाक ताकत से हुआ कि आज भी वह इन यादों को ताजा करके कांप उठता है। एक सरकारी अस्पताल के डॉक्टर आयुष, जिनकी शादी को बीते करीब एक महीना ही हुआ था कि आयुष को अपनी वाइफ के साथ कहीं और सेटल होना था, और उसका मुख्य कारण था उसका प्रमोशन, जिसके कारण उसे अपने घर से अलग होना पड़ रहा था। और जिस शहर में वह दोनों सेट होने वाले थे, उस शहर का नाम था मानसी धाम। वैसे तो गर्मियों के दिन चल रहे थे, जिस कारण रात का सफर काफी हद तक उचित था। पहले तो आयुष ने सोचा कि बस में ही जाना हमारे लिए काफी फायदेमंद होगा, मगर बाद में अपनी पत्नी के परामर्श की वजह से उसने ट्रेन की टिकट बुक करवाई। उसका यह सफर रात में ही शुरू होने वाला था। ट्रेन के उस स्थान पर पहुंचते पहुंचते करीब 7 घंटे का समय लेने वाली थी, और फिर शाम होते होते दोनों अपना सारा सामान लेकर स्टेशन पर दाखिल हुए तो उन्होंने पाया कि स्टेशन पूरी तरीके से यात्रियों से भरा हुआ था। मगर उसी वक्त आयुष के साथ साथ वहां पर मौजूद सभी यात्रियों में से काफी के पास एक साथ एक मैसेज पहुंचा, जिसे देखकर वो चिंता में डूब गए, क्योंकि उन्हें पता चला कि यह मैसेज रेलवे विभाग की तरफ से आया था, जिसमें बताया गया था कि अभी से कुछ देर पहले ही पहुंचने वाली ट्रेन, जिसकी संख्या नंबर 4536 है, वो पटरियों में दरार पड़ने की वजह से ट्रेन को प्लेटफार्म पर पहुंचते पहुंचते 4 घंटे का वक्त लगने वाला है। आयुष को आज किसी भी हालत में मानसी धाम पहुंचना ही था। फिर उसने तय किया कि वह ट्रेन की टिकट को कैंसिल करवाने के पश्चात यहाँ से बस पकड़कर मानसी धाम के लिए रवाना हो जाएगा। और फिर उसने ट्रेन की टिकट को कैंसिल करवाया और बस डिपो के लिए निकल पड़ा। रात काफी घनी हो चुकी थी, चारों तरफ का माहौल एक गहरे सन्नाटे में डूबा हुआ था। आयुष अपनी वाइफ के साथ बस डिपो के पास पहुंचा तो उसने देखा कि आज बस डिपो का हाल भी एकदम सुनसान पड़ा हुआ था। लिहाजा आयुष अपनी पत्नी को लेकर एक पेड़ के नीचे पहुंचा और उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। आयुष ये उम्मीद लेकर पेड़ के नीचे बैठा हुआ था कि शायद उसे बहुत ही जल्दी कोई बस मिल जाएगी। बस का वेट करते हुए उन्हें काफी वक्त बीत चुका था, मगर मानसी गांव के अंदर जाने वाली बस का कोई ठिकाना ना था। आयुष अपनी जगह से उठा और पास में बनी चाय की दुकान पर पहुंच गया। फिर उसने बस के बारे में पूछा, तब जाकर उसे पता चला कि रात के 10 बजे के बाद एक स्लीपर बस यहां पर पहुंचने वाली है, जो करीब 7 घंटे का वक्त लेने के बाद आपको मानसी धाम उतार देगी। आयुष ने अपनी जान पहचान के बलबूते पहले ही एक घर किराए में खरीद लिया था। आयुष अपनी बीवी के साथ उसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठा रहा। फिर कुछ देर के बाद ही उस पेड़ के ऊपर से कुछ रहस्यमय आवाजें आने लगी, जो सुनने में काफी अविश्वसनीय थी। मगर जब आयुष की निगाहें ऊपर की तरफ गए तो ऊपर पेड़ के घने पत्ते ही उसे नजर आ रहे थे। अब आयुष को नींद भी सताने लगी थी, लेकिन उसी वक्त आयुष की पत्नी, जिसका नाम निष्ठा था, वह कुछ देर के लिए घबराने लगी। और जब आयुष ने उसे ऐसी स्थिति में देखा तो आयुष ने अपनी बोतल से पानी निकाला और निष्ठा को पानी पिलाने लगा। और पानी पीने के बाद जब आयुष ने अपनी पत्नी यानी निष्ठा से इतने घबराने का रीजन पूछा तो उसने बताया कि उसके रोंगटे अपने आप ही खड़े हो रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था मानो कोई उसके कानों में फुसफुसा रहा हो। उसे काफी डर लगने लगा। आयुष को ये सब बातें कुछ अजीब सी लगी। निष्ठा, लगता है आपको कुछ ज्यादा ही थकावट हो गई है, इसलिए आपके साथ ऐसा अजीब हो रहा है। बातों ही बातों में एक आदमी उस जगह पर पहुंचा और आयुष के बगल में पड़ी खाली जगह पर बैठ गया। तभी वो आदमी, जिसकी उम्र यही कोई 35 साल के करीब होगी, वो अपनी जगह से उठा और आयुष को अपनी तरफ बुलाया। इससे पहले कि आयुष उस आदमी के पास पहुंचता कि वहां बस भी पहुंच गई, जिस बस के इंतजार में आयुष अब तक काफी परेशान हो चुका था। और बस के पहुंचते ही आयुष और उसकी पत्नी दोनों बस में दाखिल हुए। बस का माहौल एकदम शांत पड़ा हुआ था। यात्री तो काफी थे, लेकिन सभी लंबी यात्रा तय करने वाले थे। खैर, आयुष बस में आगे वाली सीट पर बैठ गया और उस वक्त रात के करीब 11 बज रहे थे। बस हवा से बातें करती हुई घनघोर रास्ते को पार कर रही थी। आयुष और उसकी पत्नी दोनों ही गहरी नींद में थे कि आयुष का पैर
जोर से बस के एक पाइप से टकराया, जिस वजह से उसकी आंखें खुल गईं। और जब उसने चारों ओर का माहौल देखा तो उसने पाया कि सारे यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ था। ठीक से देखने पर पता चला कि बस के सामने कोई जानवर आ गया था, जिस कारण बस में तेजी से ब्रेक लगाना पड़ा और बस का संतुलन बिगड़ गया। मगर अब चिंता का विषय ये भी था कि अब बस स्टार्ट ही नहीं हो रही थी, जिस कारण बस में मौजूद सारे यात्री उस बस से नीचे उतरने लगे। मगर आयुष का सफर काफी लंबा होने वाला था, जिस कारण वह इस जगह पर उतर भी नहीं सकता। फिर उसने उसी बस के चालक से बात की तो उस चालक ने बताया कि थोड़ी देर बाद बस की रिपेयरिंग कर दी जाएगी। ड्राइवर की बातों से आयुष को थोड़ा धैर्य तो मिला, मगर उसकी चिंता अब बढ़ने लगी क्योंकि वहां के मैकेनिक अभी भी बस के पास नहीं पहुंच पाए। रात के समय में वह एरिया काफी भयानक लग रहा था, चारों तरफ सुनसान पड़ी खंडर जमीनें नजर आ रही थी। तभी आयुष को किसी की आवाज सुनाई दी। यह आवाज काफी धीमी होने के साथ साथ ना समझ में आने वाली थी। इस आवाज की वजह से आयुष का पूरा शरीर एकदम से हिल गया। पता नहीं क्यों, लेकिन उसे अपने शरीर में बेचैनी महसूस हो रही थी। उसका पूरा शरीर एक पल के लिए कांप सा गया। फिर उसने अपने चारों तरफ देखा तो उसे चारों तरफ बस में पड़ा सुनसान माहौल के अलावा अपनी पत्नी नजर आई, जो अपनी सीट पर गहरी नींद में थी। आयुष को लगा शायद उसका छोटा मोटा वहम होगा, और फिर उसने इस बात को एक बार फिर नजरअंदाज कर दिया। थोड़ी देर के बाद ही बस फिर से रिपेयर हुई और उसके तुरंत बाद बस उस जगह से रवाना होने लगी। मगर अब बस का पूरा माहौल किसी शमशान की तरह बन चुका था, क्योंकि उस बस में सिर्फ दो ही यात्री मौजूद थे, आयुष और उसकी पत्नी। और फिर धीरे धीरे उन्हें अपने शरीर पर भारीपन महसूस होने लगा, यानी कि अब नींद उनके ऊपर हावी होने लगी। आयुष के साथ साथ उसकी पत्नी पहले से ही सोई हुई थी। तभी उन्हें बस के ऊपर से किसी चीज के टकराने की आवाज आने लगी, मानो कोई पत्थरों को बस के ऊपर पत्थर फेंक रहा हो। आयुष की निगाहें उसकी घड़ी पर पड़ी तो उसने देखा कि इस वक्त रात के लगभग 2 बज रहे थे। ड्राइवर और कंडक्टर दोनों बस में बैठे हुए थे। कंडक्टर नींद में डूबा हुआ था, तो वहीं बस का ड्राइवर बस को ड्राइव करने में जुटा हुआ था। मगर जब आयुष की आंखें खुलें तब उसे कोई भी आवाज सुनाई नहीं दी। तभी उसे बस की हेडलाइट के सामने एक बुजुर्ग आदमी दिखा, लेकिन उस समय बस काफी ज्यादा स्पीड में थी, जिस कारण वो बुजुर्ग आदमी सिर्फ कुछ चंद सेकंड के लिए बस के सामने की ओर दिखाई दिया। मगर आयुष को ऐसा लग रहा था मानो उसने पहले भी उस आदमी को देखा था, मगर कहां वो समझ ही नहीं पा रहा था। खैर, बस उसके करीब से गुजर चुकी थी और तभी आयुष को पीछे से किसी ने आवाज दी। लिहाजा आयुष ने अपने चेस्ट पीछे पलटा तो उसे वहां पर कोई भी नजर ही नहीं आया, लेकिन वो बिल्कुल वैसे ही आवाज थी जो उसे काफी देर पहले भी सुनाई दी थी। आयुष अब समझने लगा कि यह कोई मामूली आवाज तो नहीं है। अब आयुष पूरी तरह से सतर्क हो चुका था। तभी आयुष के हाथ से उसका फोन नीचे गिर पड़ा, जिस कारण आयुष अपने फोन को उठाने के लिए नीचे झुका, और फोन उठाने के बाद आयुष की निगाहें वहीं सीट के नीचे पड़ी तो उसके शरीर में एक सनसनी सी दौड़ गई। उसने देखा कि सीट के नीचे एक काला काला साया नजर आ रहा था, जो बिल्कुल साफ साफ तो नजर ही नहीं आया, मगर वह एक काले काले धुएं के रूप में दिखाई दिया। आयुष ने अपनी पत्नी को उठाया और उसके बाद पूरी बात बताई। फिर आयुष अपनी वाइफ के साथ कंडक्टर के पास पहुंचा और उसे भी अपने साथ हो रहे इस हादसे का जिक्र किया, लेकिन तभी ड्राइवर बहुत जोर से चीखने लगा और उसके चिल्लाने की आवाज काफी तेज और दर्द से भरी हुई थी। और फिर ड्राइविंग सीट के पास बना हुआ दरवाजा एकदम से खुल गया और बस का ड्राइवर काफी जोर से छटपटाता हुआ बस से नीचे कूद गया, और उसके साथ ही बस का संतुलन बिगड़ने लगा। मगर उसी वक्त बस का कंडक्टर भागता हुआ बस की ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उसने किसी तरह से बस को कंट्रोल किया और आयुष और उसकी पत्नी को तुरंत ही बस के आगे वाली सीट पर बैठने का इशारा किया। शायद वो कंडक्टर अब अच्छे तरीके से समझ चुका था कि आखिर इस बस के अंदर ऐसा क्या चल रहा है जिसकी वजह से ये अजीब हादसे हो रहे हैं। इसी बीच कंडक्टर जो ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था उसने आयुष को अपनी आंखें बंद करने को कहा। आयुष और उसकी पत्नी
दोनों ने अपनी अपनी आंखें बंद कर ली और भगवान का नाम जपते रहे और फिर आयुष की आंखों के सामने बहुत ही तेज रोशनी दिखाई देने लगी, जिस कारण आयुष ने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि इस वक्त बस किसी गांव के अंदर से गुजर रही थी। बस के कंडक्टर ने बस को एक मंदिर के पास रोक दिया। वो मंदिर दिखने में काफ़ी सुंदर लग रहा था, चारों तरफ लाल रंग का ध्वज लगा हुआ था। फिर आयुष को पता चला कि यह हनुमान जी का एक दिव्य मंदिर है और फिर आयुष अपनी पत्नी के साथ उस बस से नीचे उतर गया और उस मंदिर के अंदर दाखिल हो गया। उसने देखा कि उस मंदिर के अंदर एक बुढ़ा पुजारी लेटा हुआ था। उन सभी ने उस पुजारी को उठाया और फिर अपने साथ घटी घटना के बारे में बताया। तब जाकर उस पंडित बाबा ने बताया कि जिस पेड़ के नीचे आयुष और उसकी पत्नी बैठे हुए थे वो पेड़ एक श्रापित पेड़ है। वह ऐसी शक्तियों का बसेरा है जो अक्सर नवविवाहित जोड़े को अपना शिकार चुनती है। बाद में आयुष और उसकी पत्नी सही सलामत अपने गांव पहुंच गए और उन पंडित जी ने उनके हाथ पर एक रहस्यमय सूत्र बांध दिया, मगर बाद में उस ड्राइवर की लाश उसी रास्ते पर मिली। लेकिन वो बूढ़ा आदमी कौन था जो आयुष को अपनी तरफ बुला रहा था, यह सिर्फ एक रहस्य बनकर ही रह गया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसे ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।